तो अगर आप भी पांड्या और सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 200 हार के बाद बहुत ज्यादा भावुक हो गए संजू सैमसन, लेकिन उन्होंने अपनी टीम की हार के बाद पांड्या पर भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर सब दंग रह गए। तो दोस्तों क्या बोले सैमसन हार के बाद आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है राजस्थान की टीम किसे खिलाड़ी की वजह से हारी, उसका नाम नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का टूर्नामेंट आज गुजरात की शानदार 7 विकेट से जीत के साथ समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि पूरे फाइनल के मुकाबले में एक ही खिलाड़ी का नाम हर किसी के कान में गूंज रहा था और वो थे हार्दिक पांड्या। मुकाबले की शुरुआत में पांड्या टॉस जरूर हार गए, लेकिन फैसला उन्हें उनकी मर्जी का ही मिला पहले गेंदबाजी करने का। दोस्तों गेंदबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम की तरफ से सबसे बढ़िया विकेट निकाले। सबसे पहला विकेट तो हालांकि यश डायल के नाम रहा, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट किया था। बड़ी तेजी से रन लगा रहे यशस्वी जायसवाल का शिकार 22 रन पर हुआ, लेकिन उसके बाद पांड्या ने जो किया वो कोई नहीं भूल सकता। दोस्तों बतौर ऑलराउंडर पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों केवल गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने सबसे पहले सैमसन को आउट किया, उनको कैच आउट कराया। उसके बाद जॉस बटलर का विकेट 40 रन होने से पहले ही 39 पर ले लिया। इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर शिमरन हेटमायर का विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी हार्दिक पांड्या ही थे। ये 3 बैक टू बैक बड़े विकेट्स लेकर हार्दिक पांड्या ने राजस्थान पर इतना दबाव बना दिया था कि मैच जीतना तो मुश्किल, सरवाइव करना मुश्किल हो गया था इस टीम के लिए। खैर दोस्तों स्कोरबोर्ड पर 131 का टारगेट सेट हो गया, और जैसा कि हम सभी जानते हैं पांड्या की पलटन जबरदस्त फॉर्म में है, और वाकई में उन्होंने वो किया जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। मैदान में आते ही पांड्या की टीम के खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा अच्छा तो प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि मैथ्यू वेड और उनके साथ साथ रिद्धिमान साहब बहुत जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आते ही 35 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि आधा मैच तो वहीं खत्म हो गया था। इसके बाद 200 आगे चलकर विनिंग रन शुभमन गिल के बल्ले से निकले, उन्होंने भी 40 रन की लगभग पारी खेली, जिसके चलते बड़ी आसानी से 7 विकेट के अंतर से जीत गई गुजरात टाइटंस की टीम। जीत के साथ उन्होंने फाइनल की ट्रॉफी तो जीती ही है, साथ ही साथ पूरे देश का दिल भी जीता, लेकिन एक खिलाड़ी खुश नहीं इनकी जीत से, वो संजू सैमसन है। 200 हार के बाद सैमसन बहुत ज्यादा भावुक दिखे, लेकिन अपने बयान में उन्होंने पांड्या को लेकर कुछ ऐसा कहा कि वाकई में सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या पर संजू सैमसन ने कहा, ये वाकई में एक बहुत बड़ी हार तो है, लेकिन ये हमारे लिए एक सीख भी है। हम फाइनल्स तक पहुंचे, इसके लिए तहे दिल से अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये वक्त अफसोस जताने का नहीं बल्कि सबकी परफॉर्मेंस की तारीफ करने का है। देखिए फाइनल में आकर प्रेशर होता ही है, और इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी टीम प्रेशर को झेल नहीं सकी, लेकिन जिस अंदाज में आज गुजरात टाइटंस की टीम खेली वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था। बड़ी आसानी से उन्होंने मुकाबला जीता क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आए थे, और जाहिर सी बात है पांड्या एक उम्दा कप्तान भी बन चुके हैं, उनकी कप्तानी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने हर एक फॉर्मेट में हमें पूरी तरीके से नॉकआउट किया, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी या फिर ऑलराउंडिंग प्रदर्शन क्यों ना हो, हर जगह वो और उनकी टीम हमसे आगे रही। उनकी टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई, लेकिन हमारी टीम को सीख भी मिली है। उम्मीद है कि इस सीख को लेकर हम अगले साल का आईपीएल जरूर जीत पाएंगे। दोस्तों सैमसन दिल के दिलदार खिलाड़ी हैं, हारे तो गम नहीं बल्कि विरोधियों की जमकर तारीफ कर दी, लेकिन उन्होंने वाकई में दिल छूने वाली बात कही। परंतु आप सभी को क्या लगता है सैमसन और पांड्या में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।